हुआ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अमेठी में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मुहर्रम से पहले एक जुलूस निकाला। जैसे ही जुलूस मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने पहुंचा, उसमें शामिल युवकों ने आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। जरा आप भी इन तस्वीरों को देख लीजिए, इस जुलूस में क्या नारे लगाए जा रहे थे। नारे के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार आपको फिर से जुलूस की ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए लोगों का हुजूम और ये नारे किस तरीके से भाईचारा सौहार्द के संदेश को तार तार कर रहे हैं। अब आपत्तिजनक नारों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस पर स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना तहसील में आज अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे, ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। इस तरीके से आतंकवादी सोच के लोगों का संगठन हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी छाप डालता जा रहा है, इनकी जड़ें पाकिस्तान तक होती जा रही हैं। इस मामले में अब राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। का वीडियो निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाला है और परेशान करने वाला है। अगर कोई भारत में रह करके किसी मजहब के लिए इस प्रकार की विवादित नारे लगाएगा तो निश्चित तौर पर कानून का कठोर डंडा उस पर चलेगा। इस पूरे वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो दोषी निकल कर के आएंगे उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। भारत में रहने के लिए वंदे मातरम तो कहना अनिवार्य हो सकता है, भारत माता की जय कहना अनिवार्य हो सकता है, संविधान की जय कहना अनिवार्य हो सकता है, लेकिन किसी मत मजहब के नारे लगाने के लिए किसी को अनिवार्यता बताना कि भारत में रहना है तो ये फलाना कहना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई इस तरह की बात करेगा तो निश्चित तौर पर कानून कार्रवाई करेगी। विवादित नारों पर पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस ने तस्वीरों के माध्यम से लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इन सभी आरोपियों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। वीडियो की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि 17 जुलाई को मुहर्रम है, ऐसे में मुहर्रम से ठीक पहले अमेठी में ऐसे विवादित नारे माहौल खराब कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।